नमस्कार दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हमारे झारखंड में घाटशिला आ रहे हैं भारत माता के लाल, सभी के दिल के चहेते हमारे आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी देश का प्रधानमंत्री है और पूरा देश का दिल को जीत के बैठे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं उनका स्वागत में, अभिनंदन में। आप लोग भी चलिए देरी न करते हुए, और वहाँ मिलाते हैं आप लोग से नरेंद्र भाई मोदी जी को। आप लोग चलिए मेरे साथ साथ और हम भी चलते हैं, एंजॉय करते रहिए साथ साथ। चलिए तैयार है, जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव है उसी के लिए आ रहे हैं, और सभी से आशीर्वाद मांगने, क्योंकि हमारे यहाँ से बड़े भाई दादा विभूत प्रण महतो जी सांसद के लिए खड़े हैं, और पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता उनको आशीर्वाद देगी और फिर एक बार सांसद बनाकर उनको लेके जाएगी दिल्ली में, और हमारे प्रधानमंत्री भी एक बार फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी मैं गाड़ी में जा रही हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलने के लिए, उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में, और उनको सुनने के लिए संबोधन। तो आप भी चलिए मेरे साथ साथ, और थोड़ी ही देर में आप पहुँच जाएंगे। और इधर देखिए कितनी भीड़ है, सभी बड़ा बूढ़ा जवान बच्चे सभी लोग एकदम लाइन लगा के जा रहे हैं, हर घर से आदमी जा रहे हैं कि हाँ देखें मोदी जी को, सुने मोदी जी को, कितने दिलों के राज में करते हैं मोदी जी। सभी लोग तैयार होकर जा रहे हैं, अपना जो जैसे जो है जा रहे हैं कि मोदी जी को थोड़ा एक झलक देख ले। इतना इन लोग के दिल में उनके लिए प्यार है कि सभी लोग कोई गाड़ी से, कोई पैदल, कोई बाइक से, मतलब जैसे जिसको सुविधा है जा रहे हैं। और इतना प्यार देख करके तो सच में मोदी जी खुशी हो जाते हैं झारखंड से, और वो हमेशा बोलते भी है कि झारखंड बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी पहुंच गए हैं वहां स्थल पे, और देख सकते हैं कितनी भीड़, सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत चारों तरफ भीड़ है। लेकिन हम जहां हैं यहां गाड़ी रखने का जगह है, इसलिए थोड़ी कम है, और बहुत ही भीड़ है चारों तरफ, कहीं भी जगह गाड़ी का। और ये देखिए भीड़ से चारों तरफ सब आए दौड़ रहे हैं, पीएम मोदी जी के लिए सभी लोग एकदम ललायत है देखने के लिए। देखिए कितना भीड़ है, सभी लोग जा रहे हैं, और आप लोग भी आइए प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से जाते हैं मिलने, तो आप लोग को भी दिखाते हैं। मोदी जी के पास फोन किया, अभी हेलीकॉप्टर उतरने वाला है थोड़ी देर में, फिर हम लोग जाते हैं पंडाल में, तो फिर दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री उतर रहे हैं आसमान से, और नीचे सारे कितने भीड़ है ना, आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है उनको देखने के लिए, सुनने के लिए। चारों तरफ रोड में भी बहुत लोग खड़े हैं, मतलब क्या ही बोलें, अद्भुत है अद्भुत। इतनी दूर से 10 किलोमीटर दूर से ही लोग पैदल आ रहे हैं, वहीं से गाड़ी का जगह नहीं है आने का, तो सभी गाड़ी उधर ही लग जा रहा है, सभी लोग आ रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री हमारे उतर रहे हैं यहाँ, बहुत दूर से लिए हैं इसलिए ब्लर आ गया है, तो कोई मायने नहीं रखता, इग्नोर कीजिएगा आप लोग, उनका एक झलक ही काफ़ी है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी अभी गाड़ी से अभी सभा स्थल पर चल दिए हैं, तो बगल से ही ये गुजर गए हैं और फिर सभा स्थल में आ रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, और देखिए सभी लोग कैसे चिल्ला रहे हैं मोदी मोदी मोदी, सबका मुंह से ही आवाज़ मोदी मोदी मोदी। अद्भुत दृश्य होता है ना जब प्रधानमंत्री हमारे आते हैं कहीं भी तो। और देखिए सभी लोग दौड़ते हुए तेज़ी से चलते हुए सभी लोग आ रहे हैं कि हम उनको पकड़ ले, पहुंच जाए उनके पास, क्या ही सीन होता है। और ये देखिए सभी भाइयों को, सभी कितने उत्साह से आ रहे हैं, सभी अपना अपना बाइक से आ रहे हैं और टीम के साथ में आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सभी को हाथ से अभिवादन कर रहे हैं, और आप सबको भी कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया सीन है ना, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। आप लोग जैसे सभी लोग दौड़ रहे हैं मिलने के लिए, और कितना भीड़ है चारों तरफ से दौड़ रहे हैं लोग मोदी जी से मिलने के लिए, और चारों तरफ से भीड़ है। भीड़ देख सकते हैं, अभी जाएंगे।
क्या हाल है दीदी? हाँ कैसे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम मोदी जी से मिलने के लिए उनको दर्शन के लिए पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ चेकअप वेकअप सब चल रहा है, सभी लोगों का चेकअप हो रहा है, बैग या कपड़ा या कुछ सब कुछ ये कोई कुछ लेके ना चला जाए अंदर की कोई दिक्कत ना हो जाए। तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, अभी सभास्थल में पहुँच गए हैं और देखिए कितने लोग सभी लोग खड़े हैं उनके अभिवादन में। मोदी जी हमारे आ गए अभी तुरंत, तो अभी खड़े हैं सभी लोग, मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, वो आ रहे हैं बगल से, तो हम भी खड़े हैं और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया है सभी लोग, उनको झलक देखने के लिए कितना उत्साहित है आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं। हम तो यहाँ हैं तो हम तो महसूस कर ही रहे हैं, लगता है ना कि कोई जहान में जन्नत आ गया है, ऐसे लगता है जब वो आते हैं तो उनका एक एक शब्द में जादू होता है और उनका वर्णन करना। फाइनली हमारे मोदी जी पहुँच गए सभा स्थल के मंच पर, आप देख सकते हैं, और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। तो मोबाइल थोड़ा सा हिल जा रहा है क्योंकि बहुत भीड़ है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा इसको। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ का खुशी है ना उस शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते हैं, इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि सभी के चेहरे पर कितनी मुस्कान है, कितनी मतलब कि झलक और तेज है उनको देख करके, और बहुत चारों तरफ प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, हमारे मोदी जी मंच पर भी है तो सामने से बहुत लोग देख रहे हैं, और नहीं जिसको देखने में सब असंभव हो रहा है क्योंकि बहुत लोग खड़े भी हो जा रहे हैं तो वो लोग प्रोजेक्टर में देख रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्टर लगे हुए हैं चारों तरफ, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। और मोदी जी मंच पर है तो इतनी भीड़ है कि मंच पर सभी लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, इस कारण से प्रोजेक्टर में भी लोग देख रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ मोदी जी कई बार आ चुके हैं जमशेदपुर झारखंड में, और हमेशा आते ही रहेंगे, ये मैं मतलब महसूस कर रही हूँ। जो यहाँ प्यार उनको मिलता है उसे बहुत खुश होते हैं, तो कौन नहीं खुश होता है मोदी जी के आने से, और मोदी जी बहुत बहुत खुश होते हैं। यहाँ उनको सम्मानित किया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को हमारे बाबूलाल मरांडी जी सम्मानित कर रहे हैं, झारखंड का शान जो टोपी होता है उसी से सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे हम बिहारी हैं परंतु झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड का तो नाम लेना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम रहते हैं, ऐसे हम बिहार से हैं। और देखिए लोगों को देखिए, इंसानों को देखिए झलक, जो कि कितने रौनक लग रहा है ना कि मंच की तरफ से लिया हुआ, देखिए कितना अद्भुत दृश्य है जो कि गिनती करना मुश्किल है संख्या को, सिर्फ मुंडी ही दिख रही है, वो भी अच्छा से नहीं दिख रही है, इतनी सारी मुंडियाँ हैं, इतनी सारी क्या ही बोले, मतलब वर्णन करना मुश्किल है। तो मोदी सभी के दिलों में बसते हैं, सभी के जान है, सभी के प्राण है। इसके मालिक आप है नहीं है, हाँ है, ये आपके बच्चों का हमका पैसा है नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ मंच पे सभी लोग अपना अपना तरह से अपना अपना तरीका से अपना सम्मान कर रहे हैं उनका, कोई गुलदस्ता से तो कोई स्टैचू से तो कोई फोटो से तो कोई पगड़ी कोई टोपी ऐसे ही करके कोई गमछा से सभी लोग सम्मानित कर रहे हैं। जो लोग भैया लोग हैं बड़े लीडर हैं वो लोग सभी पूर्ववासियों की तरफ से स्वागत है। और देखिए गंगा पानी की तरफ बह रहे हैं लोग, जैसे गंगा मैया का पानी जो होता है ना बहते हैं लोग, बहते हैं जलधारा, वैसे लोग बह रहे हैं, लग रहा है धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे लोग। देखिए कितना भीड़ सब आ रही है हमारे मोदी जी को देखने के लिए, सिर्फ मुंडी ही दिख रही है। नमस्कार, मैं प्रेम के लिए की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ, हमारा जमशेदपुर ये केवल एक शहर मात्र नहीं है, हमारा जमशेदपुर विविधताओं से भरा नवीनी हिंदुस्तान है। जमशेदपुर का आशीर्वाद मिलना ऐसा लगता है जैसे पूरा देश आशीर्वाद दे रहा है। हम एक नौजवान भी पुत्र वगैरह लेकर के आए हैं। झारखंड प्रदेश के बनने से हम झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
हमारा जमशेदपुर यह केवल एक शहर मात्र नहीं है, विविधताओं से भरा मिनी हिंदुस्तान है। 25 मई को आपका एक वोट झारखंड और देश के भाग्य का फैसला करेगा। जमशेदपुर से श्री विद्युत बरन महतो को जिम्मेदारी सौंपी है, आप इनके लिए कमल का बटन दबाएंगे। और जब यहाँ हमारे प्रधानमंत्री सभी को अभिवादन कर रहे हैं, सभी को सराहना कर रहे हैं, और यहाँ हमारे विद्युत बरन महतो दादा सम्मानित कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं इनसे। कितनी अच्छी लग रही है ना इन लोगों की जोड़ी, और कितना प्यार से, कितना अमर बाबरी जी से भी बातें कर रहे हैं और बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना भीड़ है, इतनी आवाज़ है, इतनी बुलंदियाँ है कि इसमें आवाज़ भी बहुत शोर से गुनगुनाने रह रही है, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे हल्ला इतना हो रहा है ना, इतना शोरगुल हो रही है, मोदी 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 की आवाज़ से नारे गूंज रही है। आप लोग देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और हमारा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। क्या ही बोले, इसका वर्णन कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा झलक ले ली हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ है तो इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, इसलिए मैं छोटा ही रख रही हूँ। और सभी लोग देखिए अभी ऐसे नारे लगा रहे हैं, और ऐसे ही आप लोग के लिए हमेशा लाते रहूँगी ब्लॉग। अभी सभी लोग जा रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए बहुत सारे स्पीच दिए मोदी जी हमारे, लेकिन हम पूरा एड नहीं कर पा रहे हैं और पूरा को नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अभी सभी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, और हम भी पीछे से गाड़ी से जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा शूट कर रहे हैं इन लोगों का। तो सभी लोग अब धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं महासभा से, जहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे। तो आप लोगों का ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और 25 तारीख को हमारे यहाँ झारखंड में राष्ट्रीय पर्व यानी मतदान है 25 को, तो आप लोग मतदान ज़रूर दीजिए, और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए देश प्रेमी बनकर अच्छे व्यक्ति का, अच्छे इंसान का चुनाव करें, ताकि किसी को बाद में पछतावा ना होना पड़े। तो ठीक है, ऐसे ही हम हमेशा लाते रहेंगे आप लोगों का मनोरंजन के लिए ब्लॉग। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।